हेलो एवरीवन, मैं हेमा। मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मूस की मजदूरी का चैप्टर। आइए, यहाँ पे ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है धान की, जो चावल खाते हैं हम लोग, इसके प्लांट्स है ये, है ना। तो ये तो धान होता है, ये इसे दे है। धान एक सीड की इसे देखा जाता है। जो धान होता है वो सीड होता है जिससे चावल उगते हैं, है ना। तो आइए हम इस स्टोरी को देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है, उस समय आदमी के पास धान नहीं था। लेकिन बहुत पुरानी ये बात है, उस समय क्या था कि आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। तो जो धान की बालियां होती है, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था अभी, वो हवा के कारण झूम झूम के वहाँ पे आदमी को बुला रही थी। लेकिन धान लगाने के लिए वहाँ पे बहुत सारा पानी चाहिए, तो वहाँ पे पानी था बहुत सारा, तो उसकी जो नज़र है वहाँ तक पहुँच नहीं पाई थी। तो देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। तो मूस किसे कहते हैं? जो माउस होता है, उंदीर, है ना, चूहा, उसको कहते हैं मूस। तो वहाँ पे एक मूस दिखाई दिया। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उस धान की प्यारी बालियों को, तो झुक झुक कर वे मुझे बुला रही है, लेकिन पानी गहरा है, यही तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताना का हिस्सा दे देंगे। तो उसने कहा कि ये जो बालिया है वो झूम झर कर मुझे बुला रही है, लेकिन वहाँ पे पानी है तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो? तो इसका जो मेहनताना है वो तुम्हें मैं दूंगा, है ना। तो देखिए आगे क्या होता है। मूस को भला क्यों एतराज था, उसको कुछ एतराज ही नहीं था, है ना। वह सरसर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। तो वो जो मूस था, वो जो चूहा था, उसने वो बालियों को किनारे पर लाया, है ना। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियां का ढेर बढ़ गया। तो देखिए, यहाँ जो किनारा दिखाई दे रहा है आपको, ये इस पर वो लाता है, फिर वालिया जो होती है वो बहुत सारी वहाँ पे जमा हो जाती है, है ना। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इससे इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। तो उसको फिर मजदूरी का उसने हिस्सा दे दिया। फिर क्या हुआ? पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा, है ना। तो उसने कहा कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं अपना हिस्सा कैसे ले जाऊंगा, है ना। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। तो उसने बोला कि तुम अभी घर जाओ ये पूरा लेके, और मैं क्या करता हूँ कि मेरे हिस्से का जो धान है मैं थोड़ा थोड़ा करके खा जाऊँगा, है ना। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से जो मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा था। ये देखिए, ये जो मूस है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो धान है, धान के जो बालियां होती है उसको खाने के लिए आदमी के घर पर डेली आता रहा। तो ये देखिए कितनी प्यारी स्टोरी थी मूस और आदमी की। तो हो गया ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको ये चैप्टर कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।